वेलकम बैक अगेन। फ्रॉम टुडे वी विल सी स्टैंडर्ड फिफ्थ स्कॉलरशिप, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट का एक पेपर होता है, ओके? तो उसमें आज हम देखेंगे नंबर सीरीज के ऊपर जो एग्जांपल्स किस तरह से पूछे जाते हैं, उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है, वो सभी हम आज देखने वाले हैं। तो नंबर सीरीज पे अलग अलग टाइप के हमने एग्जाम्पल्स लिए है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें यहाँ पे एक नंबर सीरीज दिए और क्वेश्चन पूछा है इन द अबोव नंबर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स इज 3 फॉलोड बाय 8 एंड 3 फॉलोस 5। इस नंबर सीरीज में हमें पूछा है कि कितनी बार ऐसा हुआ है 3 फॉलोड बाय 8। देखो फॉलोड बाय और फॉलोस का मीनिंग समझ लो, 3 फॉलोड बाय 8 इसका मतलब है 8 के बाद 3 कितनी बार आया, एंड 3 फॉलोस 5 मतलब 3 किसको फॉलो कर रहा है, 5 को, मतलब 3 के बाद कौन आएगा, 5। 3 फॉलोस 5 इसका मतलब हो गया 5 के पहले 3 या 3 के बाद 5। तो सीक्वेंस हमारा बन गया 8 3 5। तो इस नंबर सीरीज में 8 3 5 कितनी बार आया वो अब हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे शुरू से 5 8 3 5, तो यहाँ पे आ गया 8 3 5, फिर यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 8 5 3 है, नहीं है, यहाँ पे 3 8 3 नहीं है, फिर 8 3 5। तो इस तरह से ये कितने बार आया है, 1 एंड 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से जिस ऑप्शन में नंबर 2 है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी एक हमें एक नंबर सीरीज दिए, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्क्वेयर नंबर आर देयर इन द अबोव नंबर सीरीज। ये जो ऊपर नंबर सीरीज दिए है उसमें कितने स्क्वेयर नंबर है। अब स्टैंड उसके आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिए है। अब स्टैंडर्ड फिफ्थ में स्क्वेयर पढ़ाया नहीं गया है, स्टैंडर्ड फिफ्थ के बच्चों को ये पता नहीं है, तो उनको स्क्वेयर हम आसानी से किस तरह से बता सकते हैं। तो नंबर 1, अगर हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलते हैं दैट इज द स्क्वेयर नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 25, तो 25 हो गई स्क्वेयर नंबर। इसी तरह से अगर आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 मिलता है, तो 64 हो गई स्क्वेयर नंबर। अब इसी तरह से इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिस जो किसी एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके आता है। तो 64 अगर लेते हैं तो 64 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आता है, इसका मतलब ये स्क्वेयर नंबर है, ओके? फिर नेक्स्ट है 15 अगर किसी दो मतलब किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो 15 आता नहीं है, 75 भी नहीं आता है, जैसे 8 8 64 9 9 81 होता है तो नहीं आता है, ठीक है। 36 अब देखो 5 5 25 हुआ तो 5 के आगे के नंबर 6 लो तो 6 × 6 इतना होता है 36 होता है, इसका मतलब 36 भी स्क्वायर नंबर हो गई क्योंकि 6 × 6 36 होता है। आगे देखो 19 अब 4 × 4 करोगे तो 16 होगा, 4 के आगे के नंबर लो 5 5 × 5 करोगे तो 25 होगा, तो 19 तो आया नहीं। अब 25 स्क्वायर नंबर है क्योंकि 5 × 5 25 होता है। अब 86 देखो 8 × 8 64 हुआ, 9 × 9 81 होगा, ओके? तो ये तो 81 के आगे के नंबर है तो 10 × 10 करके देखो तो ये होगा 100। अब 86 81 और 100 के कहीं तो भी है बीच में, इसका मतलब ये जो 86 है ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या 81 है, तो 9 × 9 81 होता है, तो 81 स्क्वायर नंबर है। और अब 100 10 × 10 100 होता है तो 100 भी स्क्वायर नंबर है। तो हमें इस तरह से भी स्क्वायर नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑप्शन में देखो 5 का है तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विच ऑफ द नंबर्स बिलो इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8। आपको 4 ऑप्शन दिए है और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। अब इसका आंसर फाइंड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं 5 की टेस्ट क्या है। इफ एट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज 0 और 5 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होती है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे 0 है ये 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी 0 है ये भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ वंस प्लेस पे 0 है ये भी 5 से डिविजिबल है,
और यहाँ पे भी जीरो है वंस प्लेस पे, इसका मतलब ये भी फाइव से डिविजिबल है, तो सभी नंबर्स फाइव से डिविजिबल है। अब आते हैं एट की टेस्ट पे। अब एट की टेस्ट क्या है, तो अगर किसी नंबर के लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट मतलब वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस मिलाकर जो नंबर बनती है, वो नंबर अगर एट से डिविजिबल है तो दी गई नंबर एट से डिविजिबल होगी। तो देखो सभी थ्री डिजिट नंबर है, तो आप 8 से 220 डिविजिबल है क्या, उसके लिए आपको तो आप डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 220 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 टू 16, 22 माइनस 16 हो गया 6, यहाँ पे 0, 8 से 1 56, रिमेन 4। अब ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट 140 को देखो, 140 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8, अब रिमेन 6, कैरी 0, यहाँ पे भी 60 आता है, यहाँ पे भी 60, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 8 से। फिर 120, अब देखो 120 8 से डिविजिबल है क्या, तो 8 1 8, रिमेन 4, 0 8 5 40, तो 120 डिविजिबल है। अगर आपको टेबल अच्छे है तो आप इस तरह से कर सकते हो, 10 8 जा 18, 11 8 जा 88, 12 8 जा 96, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अब 100 तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमें एक नंबर सीरीज दी है, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर इन द अबव नंबर सीरीज। तो ये जो ऊपर नंबर सीरीज दी गई है, इस नंबर सीरीज में कितने ट्विन प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन ये है ट्विन प्राइम नंबर क्या है, अब आपको मैं बोल दूं कि प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इन को प्राइम नंबर्स, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ट्विन प्राइम को अगर फाइंड आउट करना है तो हम जो प्राइम नंबर्स है उसी में से ट्विन प्राइम नंबर्स मिलते हैं। तो इस नंबर सीरीज में से ट्विन प्राइम नंबर्स अगर हमें फाइंड करना है तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उनको हम पहले क्रॉस कर देंगे। प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन और नंबर। तो इस नंबर सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे कितने प्राइम नंबर्स है, जो प्राइम नंबर्स है उनको रहने देंगे और जो प्राइम नहीं है उनको हम क्रॉस करेंगे। तो इसके लिए हम टेस्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट लगेगी 2 से 11 तक की या उनमें से किसी भी नंबर की, तो वो नंबर प्राइम नहीं होगी। सबसे पहले देखो 27, 2 प्लस 7 9 होता है, इसमें 3 की टेस्ट लगती है तो इसको क्रॉस कर दो। 4 प्लस 1 5, इसमें 3 की टेस्ट नहीं लगती है और कोई भी टेस्ट नहीं लगती। यहाँ पे 4 प्लस 3 7, 3 की टेस्ट नहीं लगती और कोई टेस्ट नहीं लगती। 63, 6 प्लस 3 9 होता है, 3 की टेस्ट लगती है, इसको क्रॉस कर दिया। 5 प्लस 9 14 होता है, इसमें 3 की टेस्ट नहीं लगती, इसको रहने दो और ये इसमें और कोई टेस्ट नहीं लगती है। 61, ये प्राइम नंबर है, इसमें कोई टेस्ट नहीं लगती, इसके सिर्फ दो फैक्टर है, ओके। और फिर 49 तो 7 से डिविजिबल है तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। 51 में 5 प्लस 1 6 होता है, ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल है तो इसको क्रॉस कर दिया। अब 11 और 13 तो प्राइम नंबर है, तो हमने ऐसे नंबर्स को क्रॉस कर दिया जो यहाँ पे जिनमें टेस्ट लगती थी जो प्राइम नहीं थे, ओके। अब बचे हुए सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स है। अब इन प्राइम नंबर्स में से ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से है वो हमें फाइंड करना है। ट्विन प्राइम मीन्स ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 और 7, या फिर 3 और 5, फिर 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, ठीक है, 59 और 61। तो ये सभी जो पेयर है ये ट्विन प्राइम की है, क्योंकि ये ऐसे प्राइम नंबर है जिनमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 5 माइनस 3 2 होता है, 7 माइनस 5 2 होता है, 13 माइनस 11 2 होता है, इस तरह से सबका डिफरेंस 2 है। अब यहाँ पे देखो कितने ट्विन प्राइम है, तो 41 और 43 इसमें 2 का डिफरेंस है, ये ट्विन प्राइम है। 59 61 ट्विन प्राइम है और 11 और 13 ट्विन प्राइम है, तो टोटल 3 ट्विन प्राइम के पेयर्स है। अगर आप लिखोगे इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ट्विन प्राइम मीन्स वहां पे हमें पेयर क्वेश्चन में पूछा है, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ एक फिर से एक नंबर सीरीज है। इन द नंबर सीरीज अबव हाउ मेनी टाइम्स आर द सक्सेसिव 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ये जो ऊपर नंबर सीरीज दी है उसमें कितने सक्सेसिव 2 नंबर्स ऐसे हैं जो को प्राइम है। सक्सेसिव मीन्स एक के पीछे एक आने वाले, एक के बाद एक, ठीक है। तो को प्राइम मीन्स क्या होता है, को प्राइम, प्राइम, ट्विन प्राइम, इन सभी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर्स
जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्री और फोर लिया, तो थ्री के अगर फैक्टर निकालो तो वन और थ्री होता है, फोर के अगर फैक्टर निकालो तो वन टू और फोर होता है, इनमें वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कोप्राइम है। अब कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं, तो जो प्राइम नंबर है वो कोप्राइम नंबर होते हैं। जैसे इलेवन एंड थर्टीन लो, तो इलेवन के अगर फैक्टर्स निकालोगे तो वन एंड इलेवन, थर्टीन के वन एंड थर्टीन। ओके, अब इनमें कॉमन कौन है, वन है और कोई नहीं है, तो इलेवन एंड थर्टीन कोप्राइम हो गए। तो प्राइम नंबर्स कोप्राइम होते हैं, और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, जो लगातार नंबर आते हैं एक के बाद एक, वो भी कोप्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्री एंड फोर कोप्राइम है, फोर एंड फाइव कोप्राइम है, फाइव एंड सिक्स कोप्राइम है, सिक्स एंड सेवन कोप्राइम है, तो इस तरह से। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। अब इस नंबर सीरीज में जो ऐसे नंबर है जिसको हम कहेंगे 48 हो गया और 24 हो गया, मतलब ये तो टू से डिविजिबल है। अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं जिसमें एक टेस्ट लगती है कोई एक, तो वो कोप्राइम नहीं हो सकते। जैसे आपने लिया 35 और 48, तो इन दोनों में टू की टेस्ट नहीं लगती है, मतलब दोनों में लगनी चाहिए, टू की नहीं लगती, दोनों में थ्री की नहीं लगती, फोर की भी नहीं लगती दोनों में, मतलब इन दोनों में किसी की भी टेस्ट नहीं लगती दोनों नंबर में, ठीक है, एक में लगती और दूसरे में नहीं लगती, ऐसा नहीं, दोनों में नहीं लगनी चाहिए। तो 35 और 48 ये कोप्राइम हो गए। अब 35 के साथ और कोई कोप्राइम है क्या, 35 के साथ 24 और लोगे, 35 और 24 अगर लोगे तो ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें सक्सेसिव बोला है, मतलब एक के बाद एक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फिर दूसरा ऑप्शन 48 और 24 नहीं है क्योंकि दोनों टू से डिविजिबल है, 24 और 25 कोप्राइम है क्योंकि ये नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम होते हैं। फिर 25 और 12 कोप्राइम है, हाँ है, क्योंकि 25 और 12 इनके अगर फैक्टर्स आप निकालो तो इनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर 12 और 15, 12 थ्री से डिविजिबल है, 15 थ्री से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। 15 और 8 कोप्राइम है क्योंकि इन दोनों में कोई भी टेस्ट नहीं लगती है, दोनों में, किसी एक में लगती है ऐसा नहीं, दोनों में नहीं लगती है। तो नेक्स्ट है फिर 8 और 18, तो 8 और 18 दोनों टू से डिविजिबल है तो वो कोप्राइम नहीं है। तो कितने पेयर हो गए, 1, 2, 3 और 4, सो देयर आर 4 पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर, गॉट इट। तो ऑप्शन हो गया ये 4 वाला। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स है। आपको आगे भी इंटेलिजेंट टेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके जो वीडियोज है वो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। गॉट इट, थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो।